चिकन बिरयानी। और भाई इस बिरयानी को टेस्ट करते हुए मेरा दिल थोड़ा धक धक कर रहा है, क्योंकि बिरयानी से जो है ना वो हमें ख़ास लगाव है। ये है भाई फ्राई कबाब। ये आ गया भाई, रोबोट आ गया है। रोबोट रोबोट हर जगह आ जाता है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी चल रही है, पेटीज बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, गजरेला बन रहा है, पिज्ज़ा बन रहा है, केक्स बन रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे खुशबू आ रही है। भाई मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ भाई किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये किससे मिल रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और भाई आज जो टेम्परेचर है ना वो हो रहा है तकरीबन -5 और ठीक ठाक सर्दी हो रही है। अभी हम जा रहे हैं ज़रा लंच करने के लिए कराची एक्सप्रेस, क्योंकि कराची एक्सप्रेस की भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी और उनका खाना ख़ासतौर पर बिरयानी का मैंने सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद हम जाएंगे राहत बेकरी जो कि 1950 से पाकिस्तान में है लेकिन अभी कनाडा में रिसेंटली ओपन हुई है। और एंड में हम जाएंगे एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट जिसका नाम है रोज़ाना बारबेक्यू एंड बिरयानी, जिसके ओनर्स जो हैं वो सब इंडियंस हैं, वहाँ पर इंडियन डिशेज़ हैं। कराची एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तानी ओनर्स हैं उसके। तो आज हम कुछ इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस ट्राई करेंगे, तो फिर चले। ये आ गए भाई हम मिसिसागा में कराची एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस एक स्कारबरो में भी है लेकिन हम आए हैं मिसिसागा। कैसे सर? कैसे इरफान? ये तो पार्टनर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी थैंक यू सो मच जी। मैंने काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया भाई कि कराची एक्सप्रेस जाना है, कराची एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस। इंशाल्लाह आपका वो जो बंस रोड वाला वीडियो है मक्सर अपनी स्क्रीन पे भी चलाते हैं। लोगों को फ्राई कबाब की जब हमें पहचान करानी थी कि क्या होता है, सही, तो लोग यहाँ पे ना वो सीख कबाब ढूंढ रहे होते फ्राई कबाब में कि सीख कबाब को फ्राई करते हैं। जो वीडियोज आपने बनाए थे वो हमने काफ़ी लोगों को दिखाई है यहाँ पे, पहले चलाते थे वीडियो। आप लोगों की मैंने बिरयानी की बहुत तारीफ सुनी है सर। बिल्कुल आप यकीन करें लोग यूएस से ड्राइव करके यहाँ पे आते हैं बिरयानी के लिए। भाई मैंने जो है ना वो बिरयानियाँ काफ़ी सारी खाई हैं यहाँ पे और अच्छी हैं, लेकिन वो वाला जो एक है ना जो कराची कराची एक्सप्रेस की बिरयानी खाएंगे तो आपको कराची जरूर याद आएगा दोबारा। तो कराची एक्सप्रेस नाम है तो नाम की लाज इंशाल्लाह। आज बिरयानी और फ्राई कबाब खास तौर पर हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कराची एक्सप्रेस में क्या होता है। भाई बड़ा अच्छा एम्बियंस है अंदर आते ही आपको, एक तो ये पाकिस्तानी परचम नज़र आता है और उसके बाद फिर ये जो पूरा मॉन्टाज बना हुआ है ना, यहाँ पे हमारे सारे जो लेजेंड्स हैं, मलिका तरन्नम नूर जहाँ हो या स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज़ हो या इंटरटेनमेंट से हो, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हमारे लेजेंड्स हैं, वो सारे यहाँ पे जो है ना वो इन्होंने लगाए हुए हैं। और एक अंदर आके बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पे फील होती है, ज़बरदस्त सीन है और चांद तारे भी हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं सेलिब्रेशन वाले। अंदर चलते हैं और ज़रा किचन को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। हेलो गाइस, हाय हाउ आर यू? क्या हाल है? हाउ आर यू? ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड। वेलकम टू कराची एक्सप्रेस। माय नेम इज अंश। अंश अंश कॉल है। अंश वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। दिल्ली? ओहो, कराची में तो दिल्ली नजर आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा सलामत नजर आ रहा है माशाल्लाह। और व्हाट्स योर नेम? My name is Mohammed. I'm from Syria. Syria, yes. Oh, Syria. And you? My name is Priyankar. I'm from Punjab. Punjab which city? It's Barnala. Barnala, India, Punjab. Yes. Wow, bhai. ये यहाँ पे भाई चारकोल के ऊपर जो है ना वो सारे कबाब वगैरह बन रहे हैं। इससे पहले बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है तो वो तंदूर के अंदर कबाब बनते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत अलग होता है, लेकिन ये जो चारकोल का एक अपना टेक्स्चर, अपनी खुशबू और इसके ऊपर जो बारबेक्यू बनने का मज़ा होता है वो वही होता है जो हमारे पाकिस्तान में होता है, क्योंकि वहाँ पे तंदूर में नहीं बनता। तंदूर का अपना मज़ा है लेकिन चारकोल की बात और है। ये हमारी बीफ बिरयानी सर। बीफ बिरयानी ये हमारे पास सिर्फ थर्सडे और संडे को होती है। थर्सडे और संडे होती है। आलू भी आया बिरयानी में? आलू बिल्कुल। भाई बिरयानी देखने में तो बहुत आगे लगेगा आपको, कराची की याद जरूर आएगी। अरे भाई ये बिरयानी तो फिर बिरयानी है ना। अंश भाई आप पुरानी दिल्ली में हो? बिल्कुल सर, पुरानी दिल्ली का तो मैंने बहुत खाया सर। जामा मस्जिद वहाँ पे बहुत फेमस एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से वाकिफ है। असलम चिकन खाया आपने? बिल्कुल सर, असलम चिकन के बिना क्या खाया। आप भी आए हुए वहाँ पे? हम आए हुए नहीं है लेकिन हमें पता सब है, हमें पता सब है। पराठा बन रहा है, पूरी पराठा, ये
अच्छा ये फ्राई कबाब रेडी हुए हैं, वही पे भी इसी तरह तैयार रखे होते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। मैंने तो कहा आप चले गए होंगे लेकिन काफी दिन ठहरने का प्रोग्राम था। नहीं, सब जाने में थोड़ी टाइम लगी। आप डालते हैं जी। बहुत अच्छी आपकी वीडियो होती है। थैंक यू। देखते हैं आपके वो खाने का भाई, बहुत ही जबरदस्त हमारे लिए खाना यहाँ पे लगा दिया गया है। यहाँ पे आप देखें ये पूरी पराठे स्पेशल, साथ में चिकन टिक्का, ये जो हलवा होता है पूरी पराठे के साथ खाने के लिए, बिरयानी, बारबेक्यू प्लेटर, फ्राई कबाब, धागा कबाब, बीफ बिरयानी, नान, मेयो फ्राइज, मैंगो लस्सी, ड्रिंक्स। भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, माशाल्लाह। और ऐसी खुशबू आ रही है ना खानों की कि क्या बताऊँ। सबसे पहले तो मैं ज़रा ये बारबेक्यू ट्राई करूँगा। यहाँ पर ये मुझको नज़र आ रही है चिकन बिहारी और मुँह में पानी आ रहा है ज़बरदस्त सा। ये जो पकड़ते ही पता लगा है ना, ये हल्की सी इसके अंदर गलावट होती है सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिहारी भाई शादियों के अंदर भी बहुत बनती है और खाते ही जो उसकी एक सॉफ्टनेस पता लगी है माशाल्लाह, हल्का सा स्पाइस और वही अपना वाला टेस्ट। ये भाई बिहारी बोटी, इसको मैं थोड़ा सा चटनी के अंदर डिप करूँगा। ओहो भाई ये देखा, पराठे के साथ हम ये टेस्ट करते हैं मलाई बोटी। रह नहीं रहा कि मैं जो हूँ वो यहाँ कनाडा में बैठ के खाना खा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर के पास कहीं किसी अच्छे मज़ेदार से बारबेक्यू कबाब के ऊपर, दिल्ली कबाब वगैरह, मीरठ कबाब के पे कहीं खाना खा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार। थोड़ा सा हम ये फ्राई कबाब भी टेस्ट करते हैं और फ्राई कबाब को हम खाएँगे पराठे के साथ क्योंकि इसका जोड़ तो भाई पराठे के साथ ही बनता है। ये जो आप लोगों ने मतलब ये शेफ आप लोगों ने कराची से बुलाया है क्या किया? सर आप यही समझ लें कि ये कराची से ही बुलाए हैं क्योंकि हम लोग दोनों माशाल्लाह जो दोनों ओनर्स हैं, वी आर वेरी वेल ट्रेंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची। वर्क देयर वी हैड अ कॉन्सेप्ट सिंस गोइंग ऑन सिंस सो मेनी ईयर्स। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि यार कराची के लेवल का फूड, उस स्पाइस लेवल का फूड वो यहाँ मिलता ही नहीं है। तो हम लोग खुद गए वहाँ और ट्रेन हुए हैं और बाकी जो है हमारे शेफ्स भी हैं जो ऑन एंड ऑफ विजिट करते हैं सी दैट वी आर ऑन पार। क्योंकि भाई देखो मैं मतलब मुझे बड़ी जो है ना, मैं मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये कि जो मैंने अभी तक बारबेक्यू टेस्ट किया है और नो डाउट मुझे मैं मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कराची का जो ऑथेंटिक आपको जायका है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली जो वहीद कबाब एक डेलिकेसी है वो और इस कबाब में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये उसके बहुत करीब करीब है। और बाकी बारबेक्यू चिकन बिहारी बीफ बिहारी ये तो इंतहाई बिल्कुल मतलब जो हमारे शादियों में भी बनती है, केटरिंग में खाने होते हैं, जो हमारा खाना जायका होता है वही जायका इसमें आ रहा है। और ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे ये जो है ना ये यहाँ पे खड़े में यहाँ पे इरफान भाई वगैरह ये लोग, लेकिन आज मैं समझा मेरा जो है ना ये आखिरी का ट्रिप चल रहा है, जाने के वापसी जाने की तैयारी है और अपने शहर की याद ताज़ा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट मींस अ लॉट, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिरयानी मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, अभी बिरयानी पे आता हूँ। भाई नंबर आ गया है चिकन बिरयानी का और भाई इस बिरयानी को टेस्ट करते हुए मेरा दिल थोड़ा धक धक कर रहा है क्योंकि बिरयानी से जो है ना वो हमें ख़ास लगाव है। खुशबू माशाल्लाह बहुत आला आ रही है, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई अभी आया मज़ा, नो डाउट चिकन बिरयानी में अपनी वाली बिरयानी जो कराची की बिरयानी, लोग खासतौर पे मुझे कमेंट्स के अंदर भी बात कर रहे थे कि कराची एक्सप्रेस की बिरयानी आप टेस्ट करें, कराची एक्सप्रेस की बिरयानी आप टेस्ट करें। तो बारबेक्यू तो है ही लेकिन बिरयानी भी, चिकन बिरयानी माशाल्लाह। साथ ही साथ में ज़रा ये बीफ बिरयानी भी टेस्ट कर लेता हूँ, ये मीट की टेंडरनेस, ये बिरयानी। बीफ भी अपनी जगह अच्छी है, इंतहाई खिले खिले चावल। मसालेदार आपको चाहिए तो वह आप ले सकते हैं, सादी आपको चाहिए तो वह आप ले सकते हैं। दोनों बिरयानी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ज़्यादा जो है ना वो चिकन वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई माशाल्लाह, और बीफ भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। और साथ में जो है ना इनके ये मेयो फ्राइज वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, वाह भाई वाह। ये भाई स्पेशल धागे वाले कबाब, और धागे वाले कबाब की जो वो होती है ना साइंस वो यही होती है कि पहले आपको ज़रा ये धागा निकालना होता है और उसके बाद ये बिल्कुल कीमा बन जाते हैं।
और अच्छी बात एक पता ही है ये कि जो मीट की क्वालिटी ना, एक तो हैंड स्लॉटेड हलाल, और वैसे भी जो मीट की क्वालिटी है सारे खानों के अंदर वो पता लग रही है, टेक्सचर, टेस्ट, जायका, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और भाई साथ में ये है ठा सोडा, हमारे यहाँ जो लिमका होता है ना बेसिकली ठा, वो इसको उन्होंने थोड़ा सा स्पाइसी करके ये भी यहाँ पे बनाया है। ये कैसा है, जो प्योर स्ट्रीट स्टाइल लेमन लिमका होता है वो ही टेस्ट है। काला नमक भी इसके अंदर है, लेमन भी है, वही इसका जायका। और साथ में भाई ये मैंगो लस्सी, मैंगो शेक होता है ना जो अलमराई का मिलता है प्लास्टिक बॉटल के अंदर, वो वाला इसके अंदर टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और मैं भूल गया था कि भाई ये हलवा भी यहाँ पर रखा हुआ है जिसको आप पराठे के साथ खाएं। ये हलवा मिलता है मोस्टली मीरठ पे मिलता है और बंदू खान वगैरह पे मिलता है, वही टच इन्होंने यहाँ पे भी दिया है। और इस हलवे के साथ जो है ना इस पूरे ग्रैंड मील का इख्तिताम जो है ना वो इस हलवे पे और इन ड्रिंक्स के ऊपर होता है। भाई माशाल्लाह जो रिकमेंडेशन थी लोगों की, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही थी। और हर चीज़ हमारी जो है ना वो एक वन कैटेगरी, स्पेशली बिरयानी जो है ना वो एक ख़ास चीज़ होती है जो हर जगह वैसी नहीं होती, लेकिन ये बिरयानी जो है स्पेशली चिकन बिरयानी बिल्कुल कराची वाला टेस्ट और बारबेक्यू, मज़ा आ गया। बड़ा ज़बरदस्त आपका व्लॉग का चैनल है। हाँ भाई, तो फिर कराची एक्सप्रेस चले। मैं जब से दुआ कर रही थी कि मेरी आपसे मुलाकात हो। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीर आशीर चले भाई। आपको ट्रैक करता करता मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, आपने इनका यारो बार घर में तो देखते होते थे प्रोग्राम आपके सारे। ये अकबर नहीं, ये ओनर है राहत बेकरी। भाई राहत बेकरी हम आए, अभी पहुँचे हैं राहत बेकरी सिंस 1950, और कनाडा में ये जो है ना वो फर्स्ट फ्रेंचाइज है जिसके ओनर हैं भाई अकबर भाई और साकिब भाई ने ये पूरी बेकरी जो है वो डिज़ाइन की है। अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल आर्टवर्क है ना, सारा कल्चर लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का, पूरा वो यहाँ पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। आपदा परवीन, सेलिब्रिटीज़, हमारा कल्चर, लाहौर की गलियाँ, अंदरून लाहौर, पूरा इस वॉल के ऊपर जो है ना वो ट्रक आर्ट, वो सब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ज़बरदस्त से बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाइयाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। और जो सारा स्टाफ है वो राहत बेकरी का, वो वहीं लाहौर से ट्रेनिंग लेकर आया है अकबर भाई जी। फैक्ट्री के अंदर ट्रेनिंग ली गई और उसके बाद यहाँ पर आके हमने प्रॉपरली वहीं से सामान भी सारा मंगवाया गया, जो कि मिठाई बनाने का हर चीज़ हमें लाहौर से गुजरांवाला से लेके दिया राहत बेकरी ने। सही। और हमने ये फर्स्ट वेंचर स्टार्ट किया इंशाल्लाह, और ये पहली बेकरी है और पूरे कनाडा के राइट्स जो हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। और नेक्स्ट लोकेशन इंशाल्लाह 3 महीने में भी आ रही है। किचन में तो भाई ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है, यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। हेलो हेलो, ये देखिए भाई यहाँ पे चिकन ब्रेड जा रही है, यहाँ पे ये जिंगर की पैटीज फ्राई हो रखी है, समोसे इधर पे कचौरियाँ बन रही हैं, वहाँ पे भी समोसे तैयार हो रहे हैं, रोल बन रहा है, गजरेला बन रहा है, और अंदर ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सब काम में मसरूफ़ है भाई। क्या हाल है भैया, ठीक है आप? लाहौर से? ये पिज्जा निकल रहा है यहाँ से, वाह भाई वाह, वेरी नाइस।
Ukraine and she worked in Islamabad. So how did you find Islamabad? My husband is Islamabad. Oh, mashallah. Unka husband Islamabad se. Okay, okay. And ye Urdu bhi bolti hai. अच्छा बोलती है थोड़ी थोड़ी I'm little bit understand only I know speak थोड़ी थोड़ी ओके ओके एंड दिस इज आवर आलमंड केक व्हिच इज वन ऑफ द फेमस आलमंड केक बाय राहत बेकरी शेफ जूलिया के हाथों से वेयर इज इट गोइंग वी टेक एन ऑर्डर विद द फोन एंड देन वी मेक इट रेडी एंड कॉल देम टू पिक इट अप ओके मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ इस्लामाबाद जितना अरसा रहती हूँ हर रोज रात बेकरी का पैटीज एक्लेयर्स एवरी डे खाती हूँ जब आती हूँ तो वेट तो खाती है आपको यहाँ कनाडा में वो टेस्ट ये पहली दफा खा रही हूँ अभी अच्छा, पहली अच्छा, होगा तो हर रोज यही मिलूंगी आपको कैनेडा के टूर फॉलो कर रहा हूँ भाई ये है गाजर का हलवा गजरेला गजरेला और गाजर के हलवे में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है ये है भाई गजरेला खोए के साथ ये आप देखें खोए के मोटे मोटे चंक्स बादाम पिस्ते चिल्ला मज़ेदार बड़ा ही मज़ेदार बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है ये और होना भी नहीं चाहिए हलवा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है और खोए के साथ जो गाजर के हलवे का मज़ा आ रहा है बादाम पिस्तों के साथ सर्दी में जो है ना वो इस हलवे का मज़ा दुबाला हो गया है ये देखें जी ये गजरेला जो है ना ये ख़त्म होने वाला है तो यहाँ पे इतना बड़ा पूरा थाल बन के आ गया है गजरेला हमने टेस्ट कर लिया बहुत ही मज़ेदार और भाई ये जो है ना आपके ड्रम स्टिक पेटीज़ और ये रोल ये हमारी कुछ मिठाइयाँ ये जो है ना ड्रम स्टिक ये मुझे ज़रा डिफरेंट लग रही है टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन है भाई कुछ मसालों के साथ इसको मैरिनेट करके प्रॉपर तरीके से बना के फिर स्टिक के ऊपर इस तरह लगाया है कि बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि ये चिकन की जो लेग पीस होती है ड्रम स्टिक उस तरह की बनाई हुई है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त मसालेदार जूसी बहुत लजीज है ये चिकन पेटीज अभी बन भी रहा था बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और अकबर भाई का ये क्लेम है कि पूरे कनाडा में आपको ऐसा पेटीज़ नहीं मिलेगा तो पूरे कनाडा के तो मैंने ट्राई नहीं किए हैं मैं तो फर्स्ट टाइम पेटीज़ जो है ना वो कनाडा में यहीं का ट्राई कर रहा हूँ और टेस्ट करते हैं इसको ये देखें भाई आप भाई का क्लेम है तो कोई बात होगी जो इतना कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्लेम किया है ये पूरे चिकन के श्रेडेड चिकन जो है ना वो इसके अंदर नज़र आ रही है बाकायदा चिकन जो है ना वो च्यू करनी पड़ी है आपको इतनी इतनी स्टफ चिकन है इसके अंदर और बहुत मज़ेदार है वाह भाई वाह मिठाई भी यहाँ पे रखी हुई है ये बर्फ़ी इतनी ये इतनी फ्रेश है अभी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बनी है मक्खन की तरह हो रही है बिल्कुल भाई वही ट्रेडिशनल टेस्ट जो रात बेकरी की पहचान है चाहे समोसे हों चाहे पेटीज़ हों रोल हों ड्रम स्टिक्स मिठाइयाँ पिज्ज़ा या इनके ये बिस्किट्स और नान खताई हर चीज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार और मज़ा आ यहाँ रह के हमें पाकिस्तान राहत का टेस्ट आ गया दैट इज़ द बेस्ट थिंग यहाँ रह के सही सही ये आलमंड केक जो है ना ये यहाँ रखा हुआ है ये मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ आप भी ये लेके जा रही है ना पहले मैं भी ट्राई करता हूँ भाई ये रखा हुआ है आलमंड केक और ये जो है ना वो राहत बेकरी की रेसिपी स्पेशलिटी है स्पेशलिटी और यहाँ पे ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये आप चेक करें भाई ये आलमंड केक यहाँ राहत बेकरी में आते हैं और ये निकल जाते हैं ये इतनी ख़ास चीज़ें यहाँ की चेक करते हैं ओह वाह इंतहाई सॉफ्ट मॉइस्ट और ऐसा है कि आपने बस खाया और डिसॉल्व हो गया ये इतना सॉफ्ट इतना ज़बरदस्त केक है ये और केक की अच्छी बात ये है कि खाने में जो है ना खाने में हैवी नहीं हो रहा ये बहुत लाइट है और बहुत ही मज़ेदार है हमारी जो मिठाई केक देसी घी और प्योर चीज़ें इस्तेमाल हो रही है सारा देसी घी और मक्खन देसी घी और मक्खन बिल्कुल
जी भाई थैंक यू वेरी मच, और आप इस तरह चलते रहें, चलते रहें, थैंक यू सो मच, आप करें आपके आने का यहाँ कनाडा में बहुत बहुत अपने गहमा गहमी थी, लोग बहुत एक्साइटेड थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह आप आए हमारे यहाँ पे, आपने रौनक लगा दी पूरी कम्युनिटी में, बड़ी खुश है पूरी कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। मैं हिरात डिग्री के ऊपर भी मैं आया हूँ ना, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मीटअप हो गया, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह, एक तो कस्टमर्स आ रहे हैं बेकरी में ऑलरेडी, और जो भी आ रहे हैं तो वो माशाल्लाह मिलते भी जा रहे हैं, क्योंकि बराबर में यारों का अड्डा है, पीछे थ्री फूड स्ट्रीट है, इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहीं पे ये राहत बेकरी भी है इसी प्लाजा के अंदर में, इसी सागा में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। अब हम आ गए हैं भाई रोज़ाना बिरयानी एंड बारबेक्यू पे, ये भी पाकिस्तानी एंड इंडियन क्यूजीन है, अंदर एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, आ जाए ऐसे ठीक है, कैसे रियाज भाई सीईओ है रोज़ाना बिरयानी एंड बारबेक्यू के, बड़ा ही रॉयल एक्सपीरियंस लग रहा है भाई यहाँ पे। बेसिकली हम लोग चार फूडीज ही थे, डिफरेंट खाने खाने का जो एक्सप्लोर करने का जो उसमें थे हम लोग, तो एंड ऑफ द डे हम लोगों का एम यही था कि लाइक इंडियन या फिर देसी खाना, इंडियन पाकिस्तानी फूड लाइक विद नाइस एम्बियंस, लाइक कस्टमर को जो एक्सपीरियंस करें। इंडिया हैदराबाद से, हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन से, ओके भाई। मुईज़ भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी जो है वो रेस्टोरेंट ओनर्स में से हैं, तो मुईज़ भाई ये जो रोबोट्स का आइडिया है ये किस तरह से आया, क्या सीन है? जी जी, एक्चुअली रोबोट्स का बेसिकली यू नो टू गिव एंटरटेनमेंट फॉर द किड्स, अभी देखे आप रोबोट आएगा, आप देखा जाएगा कि यू नो किड्स आर गेटिंग अप फ्रॉम द टेबल टू गेट देयर प्लेट ऑन बीइंग सर्व्ड टू द टेबल, सो इट शोज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट to a restaurant, you know, instead of giving that server feel, but also kids are feeling like they're part of coming out. और आप भी पाकिस्तान से हैं? यस मैं इंडिया बॉम्बे से। बॉम्बे से? जी जी। ओके। इंडिया हो पाकिस्तान हो, we all are one, you know, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैदराबादी बिरयानी जा रही है? ये जा रहा है रोबोट। ये रास्ता खुद ही अपना निकालेगा और आप देखेंगे बच्चे का रिएक्शन। बिरयानी जा रही है यार, ये क्या ज़बरदस्त रोबोट बनाया है। अच्छा भाई ये जो रोज़ाना बारबेक्यू एंड बिरयानी है, मैं समझा था कि ये नॉर्मल जिस तरह और रेस्टोरेंट्स हैं उसी तरह का होगा, लेकिन ये इंतहाई ज़बरदस्त फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और एम्बियंस इसका बहुत ही खूबसूरत है, ज़बरदस्त किस्म के फ़ानूस यहाँ पर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर रॉयल रूम भी है जहाँ पर आप अपने ना बुक करके भी आप उसको वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा खाने इनके बहुत शानदार हैं, जो भी ओनर्स हैं यहाँ के वो सारे इंडियंस हैं, तो हमने कुछ इंडियन खाने ही ऑर्डर किए हैं, और जो वाइब है यहाँ की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। किचन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे तैयारी हो रही है, क्या बन रहा है। शाकिर भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया भाई, ज़बरदस्त, ये हमारा तैयारी हो रही है खाने की। जी जी जी। शाकिर भाई आप कौन से शहर से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद, ये 65 बन रहा है भाई, पहले अदरक डाली गई, फिर लहसुन डाला गया, थोड़ा सा ऑयल डाला गया, कड़ी पत्ता डाला गया, ये बन रहा है चिकन 65। ओ यहाँ पे चिकन रखी हुई है फ्राइड हुई, अब बराबर में बन रही है गोट कढ़ाई। ये यहाँ पे भाई डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो चिकन मैरिनेट हुई रखी है, चिकन बोटी, चिकन बोटियाँ, ये कौन सी है? टिक्का बोटी। टिक्का बोटी, ये ज़ाफ़रानी, और ये मलई बोटी, ये बिहारी बोटी। वाह भाई वाह, ज़ाफ़रानी बोटी ज़रा डिफरेंट लग रही है, मैंने खाई नहीं ज़ाफ़रानी, इंशाल्लाह खिला देंगे सर। ये भाई हैदराबादी बिरयानी और उसके ऊपर चिकन 65 का तड़का, ये जो भूनी लग रही है ना इसको, किचन बिजी होता है और कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत बेहतर है किचन और हमारे बीच का ये लिंक है, okay. हमें पता लग जाता है कि किचन ने क्या भेजा है, कहाँ के लिए भेजा है और क्या भेजा है। जबरदस्त, आपका क्या नाम है? कृतिका। कृतिका आप कौन सी सिटी से हैं? मैं इंडिया की पंजाब सिटी से हूँ। पंजाब तो प्रोविंस है ना सिटी? जी जी, पठानकोट से। पठानकोट से, ओके भाई। बहुत ही एक ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ना वो सामने तो रेस्टोरेंट है ही, लेकिन पीछे ये एक बैंक्वेट टाइप का छोटा सा बना हुआ है, जहाँ पे आप एक पार्टी भी कर सकते हैं, तकरीब भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह ये।
और देखें ये पूरा रोबोट है, इस रोबोट के अंदर ये सारे जो है ना ये मेन्यू है, फंक्शन है कि कहाँ पे किसको कहाँ जाना है, ये पूरा प्रोग्राम्ड होता है। और ये रोबोट जो है ना इस तरह घूमते रहते हैं, इसके ऊपर ये डिश रख दी जाती है और ये पूरा फिर ये जाके इस तरह से सर्व करता है। गुड यार, जाओ भाई जाओ, जाने भी चल रहे हैं इसके अंदर। ओह भाई, म्यूजिक भी बज रहा है इसमें जी। सो दैट्स मार्फा, सो इट्स बेसिकली प्लेड ऑन अ हैप्पी ओकेजन फॉर हैदराबादी पीपल, सो इट्स लाइक अ ड्रम with a plastic lid, so everybody is playing and singing happily, and it even have a specific steps I searched online. Very nice. ये robot जो है वो मर्फा भी play कर रहा है। मर्फा play कर रहा है। भाई जुनेद भाई डांस हो जाए थोड़ा। नहीं मर्फा यहाँ पर। आप हैदराबादी भी हो, हैदराबादी music भी बजाए तो थोड़ा होना तो चाहिए। तलवार होना पड़ता है उसके लिए। तलवार भी है ना, ये तलवार है हमारे पास। थोड़ा तलवार भी ये लो, चलेगा क्या? नहीं भाई, खाना हमारा आ गया है बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना ये फ्राइड क्वेल है, बटेर, और इसके अलावा क्योंकि ये जो सारे ओनर्स हैं वो इंडियन हैं तो हमने सारी इंडियन डिशेस मंगाई हैं। ये चिकन 65 जिसको मैंने पहले भी टेस्ट किया था, लेकिन ये यहाँ पे ज़रा मुझे ऑथेंटिक स्टाइल का नज़र आ रहा है। इसके अलावा लेमन चिकन है, और ये टंगड़ी जो चिकन टिक्का है पूरा, और यहाँ पे ये चार स्क्यूअर्स हैं जिसके अंदर ये चिकन ज़ाफ़रानी है। बाकी तो हमारे चलो जो टिक्का बोटी मलाई और दूसरे हैं, लेकिन ये ज़ाफ़रानी जो है ना ये आप चेक करें ज़रा। और ये जो प्रेजेंटेशन है तलवार के स्टाइल के अंदर इसको सर्व करने का, बहुत ही ज़बरदस्त। नीचे आप देखें ये चार तरह की जो है ना इसके अंदर से सॉसेस भी, चटनियाँ भी दी गई हैं इसके साथ खाने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये चिकन ज़ाफ़रानी हम ज़रा टेस्ट करते हैं, आप भी लें ज़रा। जुनैद भाई हमारे हैदराबादी भाई भी बैठे हैं सामने और चिकन 65 भी रखी है, पेन नज़र जा रही है बार बार। हाँ, सबसे पहले हम ये चिकन ज़ाफ़रानी टेस्ट करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाह, चिकन ज़ाफ़रानी ज़रा डिफरेंट टेस्ट है क्योंकि ज़ाफ़रानी चिकन ये मैंने मुझे यहीं पर नज़र आई है। थोड़ी सी खटास है, बहुत सॉफ्ट मलाई बोटी की तरह, लेकिन मलाई बोटी से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। ज़ाफ़रानी है तो इसके अंदर ज़ाफ़रान की खुशबू भी आ रही है और मज़ेदार तो है। और भाई ये अब टेस्ट करते हैं ज़रा चिकन 65। इससे पहले जो मैंने खाई थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, ये वाली भी स्पाइसी है लेकिन ये इतनी स्पाइसी नहीं है। स्पेशली जो कड़ी पत्ते का एक फ्लेवर इसके अंदर आता है, मज़ेदार। यह भाई का सिग्नेचर शॉट है, सिग्नेचर शॉट। और ये टेस्ट करेंगे जुनैद भाई। तो बहुत अच्छा है, उतना स्पाइसी भी नहीं है। थोड़ा सा ये कैमरा शाय लग रहा है अभी, वरना ये ऐसे होते नहीं है यूजुअली, थोड़ा सा ऐसा है वैसा है। भाई ये देखें आप, ये चेक करें, ये है बटेर, पूरी बटेर यहाँ पे रखी हुई है। बटेर जो है वो कराची के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ख़ासतौर पे बफेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ये बटेर बड़ी नाजुक सी होती है भाई, इसको हम टेस्ट करेंगे। फ्राइड बटेर है लेकिन इसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार इसका टेस्ट आ रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चिकन गोश्त की तरह इसको फ्राई कर दिया गया हो, बल्कि हल्की सी इसमें मैरिनेशन है कोई, जो कि बहुत स्पाइसी नहीं है। आई थिंक बच्चे भी इसको खा सकते हैं, काफ़ी फ्लेवरफुल है, मज़ेदार है। श्रिम्प मसाला में सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो श्रिम्प का साइज़ है, क्योंकि काफ़ी अच्छे मीडियम साइज़ के मोटे मोटे श्रिम्प्स हैं। टेस्ट करेंगे नान के साथ थोड़ा सा। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जो यूजुअली श्रिम्प्स के अंदर एक सॉगीनेस आ जाती है ना अगर आप उसको करी में बनाएं, वो इसमें महसूस नहीं हो रही, बल्कि जिस तरह टेम्पुरा के अंदर एक उसकी एक रॉनेस होती है, थोड़ा सा एक स्पंजी उसका एक टेक्सचर फ्लेवर होता है, वो भी इसके अंदर महसूस हो रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आप इसको बग़ैर नान के भी खाएँ इन श्रिम्प्स को, तो अलग ही मज़ा है।
ये भाई मशहूर ज़माना बटर चिकन, सिग्नेचर डिश इंडिया की बटर चिकन, बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी लग रही है, ऊपर बटर भी इसके ऊपर जो है ना इन्होंने इस तरह से करके डाला हुआ है, बटर चिकन। बहुत क्रीमी बटरी टेक्सचर टोमेटोज की वजह से आई थिंक, और क्रीम बटर की वजह से थोड़ा सा स्वीट टच आ रहा है इसमें, लेकिन अच्छा मज़ेदार है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं आती। और लेकिन जो श्रिम मसाला है ना वो बटर चिकन के ऊपर भाई बाजी ले गया है, नो डाउट। ओए होए 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 भाई, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये बटेर और ये श्रिम मसाला ये हाईली रिकमेंडेड, और बाकी सारी चीज़ें तो माशाल्लाह हैं ही मज़ेदार, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगी, और ये जो लेमन के बाद टच बनेगा ना, अल्टीमेट। और ये हमारा डिज़र्ट आ गया है भाई, गाजर का हलवा और ये गुलाब जामुन विथ कस्टर्ड, वाह टेस्ट करते हैं। इस तरह खुबानी का मीठा होता है ना, थोड़ा उस तरह का टेस्ट आया इसमें, कुछ और भी है आई थिंक, ज़ाफ़रान खुबानी भी है, खुबानी है ना, यस। अब गुलाब जामुन आए, यानी खुबानी के मीठे में गुलाब जामुन इसमें डाल दिए, ठंडी ठंडी मज़ेदार, और ये गाजर का हलवा, गाजर का हलवा थोड़ा डिफरेंट तरह का है जो हमारे पाकिस्तान में होता है, उससे हट के डिफरेंट तरह का है ये। मेरे ख्याल में ये जो गाजरें हैं ये यहीं की हैं, क्योंकि यहाँ की गाजर ज़रा ऑरेंज कलर की होती है, लेकिन इसमें भी बादाम पिस्ते इलायची खोया दूध और ज़ाफ़रान, वेरी नाइस। फाइनल भाई हमारी चाय भी आ गई है, और चाय से पहले आप ये क्रॉकरी देखें कितने खूबसूरत ये कप और सॉसर के अंदर ही सर्व की गई है, और इसके अंदर जब सर्व की जाए, जब प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ भी अच्छी लगने लगती है। ये चाय है भाई, ये चीज ये भाई हैदराबाद में, हैदराबादी चाय है ये, लेकिन हैदराबाद में ये मशहूर है ईरानी चाय के नाम से, और जो हमारी दूध पत्ती है कराची वाली ये उसी के करीब है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो ज़ाफ़रान भी है, तो इसकी वजह से उसका एक खुशबू और जायका इसमें आ गया है। आप कराची आइएगा इंशाल्लाह, हम आपको अपनी दूध पत्ती भी टेस्ट कराएंगे ज़रूर, बहुत आला जी भाई। तो आज मेरा ये आखिरी एपिसोड था, अब मेरा वापसी का सफ़र शुरू होगा कराची का, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी ट्रिप भी पसंद आई होगी, और आज स्पेशली मैं गया सुबह एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के ऊपर, शाम को हम आए रोज़ाना बिरयानी एंड बारबेक्यू पे, बड़ा ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था जिसके ओनर्स थे इंडियन, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे भी हम गए, इसी तरह इंडियन पे भी आए, दोनों जगह पे हमने बड़ी नई नई बड़ी मज़ेदार सी बड़ी ऑथेंटिक डिशेज़ हमने यहाँ पे ट्राई की। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मज़े मज़े की वीडियोज़ इसी तरह आती रहती हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।